भाई लाइव चल रहा लाइव कुर्सियां अंदरों काट के लो चलते पे है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुसां सारिआं बजुर्गां नौजवानां भरावां दा बहुत बहुत शुक्रिया तुसां सदाबहार वेलफेयर सोसाइटी दी छोटी जी कॉल ते तुसीं आए हो और असीं अज दे साडे जिहड़े मेहमान सरफराज खान जदून साहब तशरीफ लाए उन्हां नाल जितने भी मेहमान आए उन्हां असीं वेलकम करदे हां तुहानूं दौड़ दी सरजमीन उत्ते टाइम की कमी है थोड़ा जहा बस दो चार गल कर उस बाद बस प्रोग्राम असि शुरू करने असल का वेलफेयर का काम है सदाबहार वेलफेयर सोसाइटी का तुसा देख ही रहा है कितने शॉर्ट टाइम बिच असा के क्राइम वास्ते कीता है उस दिनों बिच असा एक चिंची सर्वे शुरू की थी है वो चिंची सर्वे जैसे कोई चार पांच घंटे गुजारे जैसा को चार पांच जगह गुजारे थे असा गान सकने की जगह नहीं थी असा मुख्तलिफ कस्बों में रابطे किए किए लेकिन गाने में जैसे अपनी जगह असा नहीं दी हालांकि गान घरे का वही होता है इसकी कोई बदबू नहीं होती गल छाट जुड़ता है असा इतने तक आया उस तो बाद असी ब्रिटिश स्टार सा तुसा दी कस्बियां भर गया जिस नारे काम भी हो जो सी लेकिन अफसोस के असा फिर उस सर्वस मुआतल करनी पई है पांच दिन वास्ते उस तो बाद असा सोसाइटी की जी सदाबाद की टीम है असा या रातियां भी जरा नींदरा भी आराम हो गई क्योंकि साढ़े वास्ते बड़ी बेजती का मुकाम आ एक सर्वे शुरू करके इतना बंदे साढ़े ते खर्चा किया और चिंची दी दिए कराए ते असी उस सर्वे सा बाल दा रहे उस सूरत में असा फिर
सरफराज खान जगरूर साहब की याद आ गई। असा अली असगर खान जगरूर साहब की सरप्राइज विच इन्हां नाल आफस में मुलाकात की थी। इन्हां बगैर किसी हील वजह तो इन्हां आखिया जी तुसी पहले मेरे को चार महीने क्यों नहीं आए हो, तुसी पहले आंदे ते मैं पहले तुसाडा इंशाल्लाह काम कर छोड़। असा अपने मिसालों के त्रै कंटेनर दिते जेडे रोज की बुनियाद होते जाके खड़े बगैर किसी खर्चे तो और सोसाइटी उसे हैंडल कर दी इंशाल्लाह। ते मैं टाइम की कमी है आप साहब अगर गुजारिश कर सकता आगे सलामत कर सकता बहुत शनवास साहब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم ساقو بھائی اگر گزارش کر سکا کہ تھوڑی دوستی پاؤں گی ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਖੁਸੂਸੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਤਮਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਡਰੈਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਵਾਕਿੰਗ ਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਕੰਪਲੋਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ ਬਣੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਪਲੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸੈਵਨ% ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਡੇਲੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਦੁਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੰਤੋੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਗਈ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸਦਾ ਬਾਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਔਰ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਡੇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿ ਮੁਖਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੰਪੋੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਵੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੰਪੋੜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸਾਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ
ਅਸਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੂਲਰ ਲਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸਾਂ ਸੇ ਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 1802000 ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੌਮੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ छोटी जी खिदमत ने जी हम जिस तरह ताची आखा कि सरफराज साहब जिस तरह तंतोड़े की इज्जत की असा मकसद असा फर्ज बनता है कि उस को ज्यादा इन्हें इज्जत मुजाहरा करा और इन्हें उसी तरह वेलकम करा रिसीव करा जिस तरह इन्हें कंटेनर प्रोवाइड किए और यह भी नहीं कि उन्हें बासा से उसके बल्कि उन्हें आकर जी फंडिंग इस उदी जिला खर्चा होता है मैं अपनी जोग भी जो भी दे सकते ये बहुत अच्छा है ना जी फिर उस तो बाद तो सामने सोसाइटी का अगला विजन ही थोड़ा जो दर्शन है एक तो मैं तो सामने दस है कि तुम थोड़े दे दो मल हैं क्योंकि तुझे छह परसों नो वासा दे जी असल में मल्ला बदल जी है उस भी बहुत ज्यादा इशू है पानी है और उस तो बाद मल्ला खनखेल है जरा इवन के असल में पीछे एक रिश्तेदार फोत हो इन कंटेनर मंगवाने पे अपने किराए धड़े से ये दुआई उस बिच करने करके एक तो उसे बहुत ज्यादा और अगर रमजान भी आ रहा है दुआ असल का जो सब तो इंपॉर्टेंट इशू है वो बेसिकली कचरे के हवाले न जो तुसा वो कचोड़ है सोसाइटी बिच असल की जी सदाबाद सोसाइटी है जी पिछले 8 महीने बिच क्योंकि मैं आप यूएन में काम करना है एज इंप्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट के पी वास्ते तो मेरी जी गोरे गप होती है बाकी उन्हें जिस वे अस दसने असने फेसबुक के पेज के जरिए भी बाकी त्री 40 साल के कैरियर बिच असा कोई भी अजी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दी जिस बिल्कुल 6 महीने पर इस तरह का काम किया होगा ये सारा क्यों था इस तरह क्यों सक्सेसफुल हो सिर्फ और सिर्फ इस वजह तो कि अपने इखलास की वजह तो असा विजन क्लीयर है और विजन के जी जिस तरह मैं पहले आखिया कि तमतोड़े के हर बच्चे या बच्चियां असा मावं भैं एक अच्छा तमतोड़ साफ सुथरा तमतोड़ मिले तलीम याफ्ता तमतोड़ मिले असा सब तो बड़े ऑब्जेक्टिव तो दूसरा सा ऑब्जेक्टिव जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि असा घर हर दूई त्री खातून है जो या ब्लड प्रेशर की मरीज है या उन्होंने पिता निकले गए या शुगर की मरीज है उसकी वजह बेसिकली कि भी कि वॉक ना होने की वजह तो असा भरपूर एक कोशिश है सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से कि असा बच्चे बच्चिया खवातीन से कोई अच्छा पार्क हो क्योंकि वो बच्चे खड़ो और उन्होंने सेहत के वाल क्योंकि एक माँ जिस वे सेहतमंद हो सी तो उसकी औलाद भी सक्सेसफुल हो सी दुनियावी तौर पर भी और दुनिया के तौर पर भी जी दीनी तौर पर यह असा दुआ हो जी त्रिया इस तुम बाद असा सब तो इंपॉर्टेंट जो है जी असा BHU है जरा बेसिक हेल्थ यूनिट उस बिच असी बेसिकली उस लगे थे कोशिश पे अपग्रेड करने के बारे में भी वह भी असल कोशिश है कि असा BHU कम अज कम तहसील लैवल की हॉस्पिटल मिल जुले जी ये असा बेसिकली विजन है और चौथा सब तो इंपॉर्टेंट कि एक अद्धे ग्राएं से बच्चे हो असा जो जवान हो ग्राउंड आबाद रहे सी तो बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज गलत नेगेटिव एक्टिविटीज को बचे रह सो उस वैसे असी इस तरह के मेलों का इनका टूर्नामेंट्स का इनका ताकि असा यंग जनरेशन जी है जी वो बिजी रहे पॉजिटिव एक्टिविटीज में ताकि फ्यूचर में तुम और असा रोल मॉडल क्योंकि जिस तरह के डायनेमिक्स बन गए ने हमेशा मैं गल करना कि तुम बाईपास इतने आ गए कॉन्सर्ट इतने आ गई अगले आने वाले 30-40 साल में तमतोड़ की वही अहमियत हो गई सी जी अज तो 60-70 साल पहले ही पूरे अखबार दंडिया जिस टाई हो गई उस तरह की अहमियत इंशाल्लाह ताला तमतोड़ की हो गई सी असा उस सिलसिले पर काबिश भी करनी है असा मेहनत भी करनी है यह असा बेसिकली सोसाइटी के प्लेटफॉर्म तो जो विजन है जी एक आखिरी चीज मैं दसा कि जिड़ी कि जनरल क्योंकि फेसबुक से भी चीज़ा जुड़ियां भी हैं बाकी भी तो कल इलैक्शन खत्म हो जी उस भी कि इलैक्शन बिच क्योंकि असी तमतोड़े की सारी बरादरी है ऑफिस उस बिच हर बंदा किसी ना किसी सपोर्ट करता है लेकिन सोसाइटी के फोरम से सोसाइटी एज अ इंटिटी किसी बंद भी सपोर्ट नहीं किया हाँ सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ लोगों के चाचे ताए मामे उधर करते रहे उन्हें सपोर्ट करते रहे लेकिन एज अ सोसाइटी असा किसी नहीं असल ये पोलिटिकल फोरम है और मैं हमेशा गल करना कि जेडे अवामी नुमाइंदे वोटा को पहले सूरह यासीन भी खड़ते कसमा कुरान भी करते वोटा के करके एक क्या इंसाफ है कि जिस वे जित रहा तो फिर वो फंड्स की यूटिलाइजेशन के हवाले तक भी मैं दसूँ
कि फंड कितने खर्च होते हैं और असं ये मुस्तकबिल इंशाला च असा कि कमतोड़े के जेडे फंड भी आते हैं असा के लोगों को पता होना चाहिए किस जगह खर्च हो रहे और उसकी बकायदा प्योरिटी जिस वे प्योरिटी बनसी असा के पांच छे बड़े मसायल जेडे वह हल उसके मुताबिक काम हो सी सारे मसायल जो हैं जी हल हो जिस ये बेसिकली असंकी सारी गुजारिश भी ने सोसाइटी का बैकग्राउंड भी है तुम सारे दस ने मकसद है ये काम असर कर छोड़े ताशी आगे कर थैंक यू जी मेहरबानी बहुत खूब माशाला साकू भाई रोशनी पाई है जी असल में साढ़ा एक ही विजन है कमजोर की तरक्की असि सारे मैदान में आए थे कमजोर की तरक्की वास्ते बहुत सारा सिलसिला है बहुत सारे काम है जो पेंडिंग है इंशाला ची असी हल कर मैं टाइम की कमी की सूरत अज सारे जेड़े माजर मेहमान है खसूसी सरफराज खान जदून साहब अगर गुजारिश कर सके आगे वो विचार करना करो ता कि सारे लोग जरा मेरे बुजुर्गो भ्राओ मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आज जो रिसीव किया बुजुर्गों की मौजूदगी मेरा ख्याल सब कुछ थोड़ा जा शर्म जहा दिता है कि साड़ी रवायात ही अस हमेशा बड़े आदमी बड़े ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन चलो फिर थोड़ा जा शायद मैं मेहमान तुसा समझ के रहा तो इसकी तो मेहमान की खुशूसी आपने रखे बारह मैं इंतहाई तुसा का मशहूर हाँ तुसा वहां जी इज्जत की इज्जत की है इस तरह इंतहा मशहूर हाँ और दुनिया में इंसान सब कुछ तगदो करता है वो इज्जत वास्ते करता है रोटी दे अमीर मेरा कहते एक खाता है गरीब मेरा डेढ़ खा दिता है कोई बंगला बना है कोई होटल निकी चाह दिता है कोई बड़ी चाह दिता है लेकिन दुनिया में अगर रिस्पेक्ट होती है दुनिया में आनंद होती है जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ी चीज होती है वो होती है करैक्टर इंसान का जो करदार है उसकी अहमियत जिहड़ी है वो लॉन्ग लास्टिंग है पिओ दादे तो भी असी जिस किसी के पिओ दादे भी कोई गड़बड़ की है अज भी कुसा उस पोतरे तक सर आखते हैं कि इसका दादा है जाया तो इसका पिओ है जाया जिस किसी अच्छाई की है आखते हैं इस दादे फलाने वक्त बड़ी जबरदस्त गल की है उसी की औलाद है और इस स्कूल में फर्क ना हो सी करदार है इस अंग्रेजा भी मन है उन्होंने भी आखिया करैक्टर इज लास्ट एवरी थिंग इज लास्ट हजूर सल्लम ने सब तो अहमियत कुरान और हदीस में सब तो ज्यादा जी अहमियत है वह करदार भी है सब तो असि जो नमाज पढ़ने असि जकात देने असि सच आखने एक गल कर रहे उस कमिटमेंट से पूरा उतर रहे इस मकसद और काम कुछ भी नहीं इसका मतलब है वो करदार जिस करदार उते असा इस दुनिया जिहड़ी है वे और आखरत के दोहरे उते स्टैंड कर गया मेरे भारत सोसाइटी के बड़ा पुराना वाकफ भाव शायद मैं सुनकर इंस्पेक्टर होता उस पी साल पहले की गल है उस वक्त भी मैं आता रहा और मैं बड़ी खुशी हुई जी कि यार कमतोड़े में शुक्र एक सोसाइटी है जी उ लोगों के वेलफेयर का ख्याल रखती है उस वक्त भी आगे कोई ख्याल रखते बिच उस सोसाइटी गुम हो गई उस सदावार खजा आ गई फिर हम इस रिवाइवल जिम्मे हम हो मेरे को मेरा ख्याल एक महीना पहले या डेढ़ महीना पहले कुछ लोग आए
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾਬਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੁਗੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤਰਦੋੜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਉਹ ਸਭ ਲਾਓ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਓ ਪਿਓ ਦੀ ਸਵਾਪਸਿਤ ਬਾਰਾਤ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਦੇਂਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਾ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਵੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਦੂਰ ਨਾ ਇਮਾਨ ਰੱਖੋ, ਇਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਗੈਰਤ ਆ ਹੋ, ਇਸੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਹੋ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੜ ਗਿਆ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵਾਸਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਵਾਸਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਵਾਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆਖਿਰ ਅਸਾਂ ਤਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਦੂਏ ਦਾ ਤਰੀਨ ਐਸਾ ਇਧਰੋਂ ਚਾਹੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਚਾਹੀਆਂ ਸਭ ਚੱਲ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਆਖਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਸੋ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਫਲਾਣਾ 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 ਇਹ ਸਾ ਹੁਣ ਸਾ ਕਿਸੇ ਤਬਦੋੜੇ ਦੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਗਈ ਮੈਂ ਸਜ਼ੂਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਸੋ। ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿਓ, ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ 134 ਸੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤਰਤੋੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਦਕ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਤਰਤੋੜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਰਤੋੜ ਤਾਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ,
कि तब दौड़ को तालीम की कमी है, तब दौड़ को स्किल की कमी है। मैं वाजे आपसे खफा ठीक है सर, मैं बिल्कुल गल वही कर सकता जी, मेरे को दिल जब भरा है बाद फिर मैं ठीक क्या करा कदे आते जी वो तले चलो उसी भी गल दसा वो प्लांट आए दे तले कि जी थे कचरा खुडी सर सो 400 कनाल जगह चाहिए थी 300 कनाल जगह चाहिए वो कचरा कुंडी समझ जो कचरा कुंडी सड़ा तो सी आ सकते हो ये जे तुसा वसे सवा दो 5 अरब 20 करोड़ रुपए की मशीनरी थी लग सी उस अंदर इंजीनियर चाहिए थे उस अंदर सा सब इंजीनियर चाहिए थे उस अंदर स्किल लोग चाहिए थे तुसी उस वसे तैयार नहीं होते हो भी इस वसे रोज तैयार हो जाते हो जी असी उठे अड़ता है उस छोटिया छोटिया गल करने का मसला जो है नहीं होता जहां तक उनके मन बड़ी खुशी हुई है कि जो वे रसूल आवास सोसायटी में दस कि जी रेपिटेशन अस बहर निकले बहुत अच्छी गल की है बुनियाद है किस चीज की तुम किस एरिए में रहते हो कल जो वे गवर्नमेंट सारे सारे भरा थे गवर्नमेंट के कल जो वे कोई गल आती है पैसा आता है वो आते यूनियन काउंसिल तक दौड़ यूनियन काउंसिल नवा शहर और नवे शहर के पैसे तब तोड़ नहीं लगते तब तोड़ जब तुम इस रिपीटेशन में ही ना हो तो सब और पैसे दे सी तुम जे कोई पर्ची है तुम वो तो जे कोई पर्ची है तो लेकिन जा तक और दी कानूनी है सीधा बराबर ना कर सो और सुविधा को कुछ भी नहीं होगा बहुत अच्छी बात है सारा को पहले एक साढ़े जुड़े प्रात तब तोड़े नहीं जुड़े हैं अब था ही चले इतना इस सारे के सारे लोग इस रिपीटेशन में जाओ और उसमें वहां भी जीड़ को जो किरदार अदा कर रहा हो इंशाल्लाह में कर सा और मेरा है थोड़ा बहुत जोर चल रहा है हल्का फुल्का वो भी इंशाल्लाह से कर दूंगा सर। मेरी ख्वाहिश है साढ़े को पाइप की पेद है मैं लिमिटेशन की क्यों काम करना चाहता साढ़े को पाइप की पेद है साढ़े को इंजीनियर भी है साढ़े को पाइप फिटर भी है सब कुछ है फिर भी उसका पानी ना देगा क्यों कि वासे भी इतनी हो जब जिस वक्त तक तुम वासा के अंदर नाश हो उस वे तक असि ये तो चलो कर अस कुछ कसे वसे अपने जोर जबर वसे या अस घर रखने और भी दाल सा चाल सा लेकिन जो पानी के पाइप जो पै जाते अस लिखने कि अस कि पाने जो पाइप इतनी लिख सा उस सब तो पहला सवाल उस कि वासा जो है तब दौड़ वासे के अंडर नहीं तुम क्यों लिखे क्यों पानी ने पाई मेहरबानी करो ये मौक है बेहतरीन किस्म का आठ यूनियन काउंसिल आ गया मैं जी असा रिकमेंडेशन की थी उसमें टाप ने तब दौड़े इंजीनियर साहब पता है और सारी फिर एक मीटिंग होनी है कि वो आती जरा असी तब दौड़े हैं तो असी मीरपुर का पूरा क्यों पावा तुम इसे संभाल लेते हो कि ना अस आखिया हाँ अस संभाल लेते और जिस दिन भी हुआ ना उन्हें आखा सारे को पहले वह खुशी उसी कि मैं आके तब दौड़े में पहला पाइप जो है वो पावा बदबू आसी और पता नहीं की उसी ना कचरा कुंडी है तुसा मुस्तकबल में बच्चे वास्ते दो चीजा बढ़िया इतने काम हो रहे एक जरा काफ सेट ता आ रहे दो चीज जिन्होंने काम सेट थे आसो क्लर्क पढ़ती उसी कोई जुड़ीदार पढ़ती उसी कोई इंजीनियर उसी और कुछ भी ना उसी कम से कम उन्होंने देर बाद के नवी नस्ल इंस्पायर उसको
और कई लोग इतने बचे हुए खुद भी पता हुआ कई बार आए थे देखे चरस पी ले सारिया गल आखते भी हम अलीसर खान नहीं थे बैठे बैठा जी तुम बड़े डर दिखे को क्यों बंदा नहीं करते लता क्यों नहीं मारते पर फिर मेरा ख्याल भी शायद मैं दूर का नहीं पता लेकिन यह गल जरूर है कि अगर नवी नस्ल असि जिन्हें पास चढ़ने चढ़ गया बल्कि हम तो आप तैयारी करा लेकिन तुम ने मेहरबानी करके दो काम जरूर करो तालीम और हुनर अगर बच्चा पढ़ता नहीं है पहले पढ़ाओ शादी पढ़ रहा ये नाल तुम पॉलिटेक्निकल कॉलेज ना समझो दूर भी उसका डिप्लोमा गिनो उसका थोड़ा बहुत सिखाओ वो प्रैक्टिकली थोड़े किसी दुकाना होते पे ताकि कल जो वे वैकेंसी आवे तो सारे को पहले आवे बाकी की कमी है समझना मेरी बिजली की कमी है समझना मेरा टेस्ट करो आप तुम ये आखो जी अगर समझ गए कि तुम कल साढ़े ने वादा की दिया कि पहले सब कुछ तो थोड़ी ही लोग पढ़ते हैं आज क्यों नहीं पढ़ती कर रहे ये सारी अगर आप तुम पहले आप ही तैयार करो फिर इसकी डिमांड है लिमिटेशन बहुत अच्छा कर रहे और नाल वासा भी तुम आओ तुम मेहरबानी करो तुम वासा में आओ और तुम वासा में जे वे भी आसो तुम देख सो ना दो कमा का मैं तुम वादा कर रहा एक सफाई का और एक पानी का अगर किसी का भी पानी सफाई का मसला अगर होया तो बेजबान हो सकता आओ किसी उस दायरे के अंदर भी आओ ना दायरे का अंदर का मसला यही है भी मिलो सारा गवर्नमेंट ऐलान ना कर सके गवर्नमेंट का दबाव कौन पा देते मेहरबानी करो इस चीज का मैं सोसाइटी जरूर आसा कि मोटिवेट करो सारे जरूर इस मसले में और उस करके जी एनर्जी है उसका बेहतर तौर पर इस्तेमाल करो कोई और जी कोई जी गल है मैं हर वक्त सोसाइटी की फाइनैंशियली चलता भी इतना मैं आप गरीब आदमी है मैं इतना तकड़ा आदमी का लेकिन मेरे उ जो भी सोसाइटी कोई पाया इंशाल्लाह उस वास्ते हर वक्त प्यार जिन्ना पे कभी रात मेरा भी नहीं है कि यार मतलब कल आपको जरा वोटा बनाने गलस मेरा अपना ईमान दे मैं दोस्त हो गए बस आखर ती हम जारी करा अस मैं आखर तो बेहतर का काम करके ना शायद दूसरा दिन कुटाइया भी होंगे उस अल्लाह ताला सा उसमें भी माफ कर दे मैं सारा बुजुर्ग का सोसाइटी का सारा ना तो मैं बड़ा मशहूर हूँ प्रॉब्लम काफी बगल तो गाल नहीं है वैसे एक आप एक ईमान और आप एक पूरी ताकत काल और पूरे खुलूस का आपने लाके दी खेल बस अच्छा है बहुत शुक्रिया सुभाष खान सर असल में दो चीजें जी मैं असल ग्राएं के सारे मोजेस असल ऐसे ग्राएं पे रहने वाला हर बंदा मोजेस है बाकी जेडे मोजेस लोग उधर बैठे थे उन्हें भी मौजूदगी में दो त्रै चीजें जी मैं क्लेरिफाई कर छोड़ा असल में एक तो असि पेशावर हाई कोर्ट पे गए थे जी पिटीशन असल दी जी फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट प्लांट है उसके वाले लो सब जुडिस है असि सोसाइटी इस तो पहले क्योंकि इंजीनियर साहब पता स्पेशल सेक्रेटरी अनायतुल्लाह रशीद साहब वो लुधियाने बंदे मेरे टीचर भी रहे थे मेरे मेंटोर भी मेरे बहुत अच्छे उन्होंने इस तरह नेगोशिएशन एडीबी नाल मैं आप की थी वापस ग्राएं मुड़ के आया तो उधर गलां ही शुरू हो गई हैं जी के साकेत जिहड़ा है साकेत ते सोसाइटी नहीं कि ग्राएं बेछोड़ है साकेत जिहड़ा है साकेत वाला भी यूएनडीपी में इंप्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट केपी दा ये साकेत नौकरी इस करके चाकी दिए गए उस ग्राया बेचोड़े मतलब इस तरह दिया गलत ये जिहड़ा मसला फिल्ट्रेशन प्लांट दा या ट्रीटमेंट प्लांट दा सोसाइटी बड़ी क्लियर है कि बहुत अच्छे है तम थोड़े
लेकिन असी अपने ग्रह सारे इसे तरह बुला के उन्हें तुसली प्रेजेंटेशन है और फिर ग्रह जिस तरह डिसाइड कर फिर उस असा ऑलमोस्ट कोई सात असा दी डिमांड जी दी थी वो ग्रह जिस तरह डिसाइड कर सी असी क्योंकि सोसाइटी आप कुछ नहीं सोसाइटी कौन है तुसा बिचो हर बंदा जो बैठे रहे थे वो बेसिकली सोसाइटी असी तुसा दे नुमाइंदा जमात आ असर का काम है वही चीजा सामने आननी है जिन्हें कि ग्रां की फलाह वास्ते अच्छी इंशाल्लाह फ्यूचर में जिस तरह ग्रां ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में डिसाइड कर जिस तरह सरफराज खान साहब दसा है असं अखियां खोलने से काफी है गल कि 126 भर्तियां हुई हैं तो उस तमतोड़े तक कोई भी नहीं तो इस गल सोचने की जरूरत है कि असं कितने रहने पे के करने पे और जिस इंजीनियर दिया कि इस ग्रां डिसाइड करते जिस तरह गवर्नमेंट का प्लान होता है इंजीनियर्स मैकेनिकल इंजीनियर्स उस चाहिए उस आर्किटेक्चर चाहिए उस बाकी स्किल्ड फोर्स चाहिए उसी असने ग्राएं भी कितने जे पढ़े लिखे दिन या अमेरिका या बाहर चले गए कैनेडा या उस तरह बाहर चले गए या अपनी सरकारी नौकरियां इसे करके पहले दिन तो असी एक कोशिश जी कर तालीम में जो दुनिया पे एक वालद वालदा अपने बच्चे जी सब तो इंपॉर्टेंट चीज दे के ना वो ऐसे दुनिया का कीमती तरीन तालीम है जिस बच्चे कोनर हो गया तालीम हो गई तो जिंदगी भी हर जगह सक्सेसफुल हो सकती सरफराज खान साहब का एक बार फिर क्योंकि आप जिस तरह दस ये मेहमान नहीं असंदे बुजुर्ग हो इन्होंने फिर एक बार शुक्रिया अदा करने कि कमजोड़े में आए ने असं इज्जत अफजाई की ने अपने ग्राएं में आए और इज्जत अफजाई बाकी असं मामू बैठे थे दिलाव मामू बैठे थे शाह साहब बैठे थे मामू बैठे थे तमाम का शुक्रिया अदा करने टर्की भी गए हुए थे मेरे ख्याल में आप देख के आए उस तरह का सारा ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग इस तरह से करते हैं गांव के साथ मुशावरत करके फिर कोई एक दिन रख लेते हैं ठीक है फिर उसमें आप सबको बुला लेंगे ये प्रेजेंटेशन सीओ साहब दे देंगे और उसके मुताबिक जिस तरह गांव ने फैसला किया हम गांव के फैसले के साथ चलेंगे जी ठीक हो गया और इंशाल्लाह ये जल्दी विद इन वन मंथ हम लोग कर लेते हैं अगर आप चाहते हैं असल में थोड़ा सा ये कि ये जो मसला हमारा हुआ क्योंकि ये कचरा कुंडी बन रहा है या सही नहीं चलेगा आपके साथ तो काफी कोशिश की गाँव वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी ये तकरीबन जो प्लांट लग रहा है ये अरबों रुपया लग रहा है ये समझ यहाँ उन उस अरबों रुपया लगाने का मकसद ये है कि ये कचरा कुंडी ना बने जो सलाट में बना उसके लिए जो बंदों की ट्रेनिंग है हमारे असिस्टेंट मैनेजर के लेवल तक के लोग भी जो तरक्की किए थे वहाँ जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए ठीक है ताकि उन्होंने कहा जब ये प्लांट लाने तो उनको पता हो तरक्की से हम लोग मंगवाएंगे जो उनकी कंपनी से हैं वो यहाँ पे साल डेढ़ साल से जाकर उनको लीड करेंगे ये प्रपोजल इसमें तीन चीज़ें मेन एक है जी मटेरियल रिकवरी जो रिसाइकलेबल होता है जो बेचता है वो होगा जो तकरीबन 20 टन पर आवर की कैपेसिटी है उसके बाद कंपोस्टिंग प्लांट है उसके बाद बायोगैस का एडजस्टर है बायोगैस का एडजस्टर का मकसद ये होता है कि जो कचरा आ रहा है जो किचन वेस्ट आ रहा है वो ख़त्म हुआ वो उसमें से थोड़ी गैस भी जनरेट करेगा उसके बाद लैंडफिल साइट है लैंडफिल साइट पर भी काफ़ी जो साके बाइक में पड़े लिखे लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तकरीबन 100 से ऊपर इनके पॉइंट्स थे हमने जो टेक्निकली हर पॉइंट का इन लोगों को जवाब दिया इनकी तसल्ली कराई इन्होंने ये भी रेस किया कि ये आपने फिटनेस काम रखी हुई है इन लोगों की तसल्ली के लिए भी हमने जो 1.5 mm था उसको 3 mm कर दिया नीचे 2 meter का क्ले का कवर डाल दिया उसके ऊपर वो डाल दिया अब एक महंगा तरीन जो लीचर ट्रेन के सवाल थे 2 filtration हो रहे हैं एक तो नेचुरल जो होता है उसके अलावा एक जो डबल एक्शन फिल्टर प्लांट होता है वो काफ़ी महंगा होता है वो भी लगता है अच्छा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कोई प्रोजेक्ट नहीं करने देता जब तक सारे इन्वायरमेंटल उसमें स्टडीज और उनकी जो मिटिगेशन है वो पूरी ना हो जाए तो अगर तो आप ये कहते हैं कि हुकूमत कर रही है और शायद उसमें कोई लैग आ सकता था लेकिन ये एशियन डेवलपमेंट बैंक सारा देख रहा है आपके हुकूमत के इतने सख्त कानून नहीं होंगे आपके जो PC1 है उसके इतने सब कानून नहीं होंगे जितने एशियन डेवलपमेंट बैंक के वो कहते हैं एक पत्थर नहीं हटाना जब तक ये 10 स्टडीज पूरी ना हो जाए यहाँ पे रात को 12 बजे दो दिन जो 48 घंटे उनके लोग तंबू लगा के बैठ रहे हैं
कि जी नॉइस सर्वे करो, ठीक है, प्लांट चलेगा तो कितनी आवाज आएगी, ये कुछ रेन परिंदा है ये डिस्टर्ब तो नहीं होंगे, लोगों को छोड़े, ये भी मैं आपको जानवरों का बता रहा, ठीक है, लोगों के लिए उन्होंने हम पे इतने प्रेशर डाले हैं कि जी मतलब मैं 17 साल हो गए मुझे प्रोफेशनल फील्ड में, जितने सख्त प्रोटोकॉल और जितने सख्त कानून उन्होंने हमें दिए, ये 2017 से चल रहा है, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, तो आप देख रहे हैं कि 2017 से आज 2022 आ गया है, 5 साल हो गए, ये सारी चीजें वो हमसे करवा रहे हैं ताकि जो लोग हैं, जो लोकल हैं, उनकी लाइफ अफेक्ट ना हो, उन पे बुरा असर ना पड़े, तो आप लोग जब कहेंगे हम हाजिर हैं, थोड़ा सा थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जैसे सर ने बताया हम लोग वासा जो है ना वो पूरे आप पूरे शहर जो भी अर्बन डिक्लेयर होगा उसके लिए हाजिर होते हैं, हमारा मैंडेट ये है जो हमने बोर्ड की तरफ से मिला, हमने जो हम कर सकते थे जो हमारी रीच में था प्रपोजल बनवा के बोर्ड से अप्रूव करवा के कि जी ये जो इनकी वीसीज हैं बिल्कुल शहर के साथ लगी हुई, इनको नेबरहुड काउंसिल में आप इनको दर्जा दें, यानी इनको अर्बन डिक्लेयर करें, जब अर्बन डिक्लेयर करें तो हम यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, मेरी बस ये एक रिक्वेस्ट है कि अब इस प्रोजेक्ट पे प्रेशर है, एशियन वैलेंटाइन साकिब भाई को पता है पिशावर में जो मीटिंग थी उन्होंने क्या बोला कि जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पैसा नहीं लगेगा ना तो दुनिया के 50 मुल्क क्या खड़े कि यहाँ लगाओ, तो आप इसका फैसला कर लें बराए मेहरबानी, हमने एक एक चीज कवर की है, एक एक चीज ये रिपोर्ट साकिब साहब आपको दिखा सकते हैं वो कितने पेजों की है, जो गैस के सारे वो सब कुछ है वो हम आपको दिखा सकते हैं कितने पेजों की है, हम लोग तुर्की जो जा रहे हैं तुर्की वालों में तुर्की में जाके घूमे साल के जी कि ये प्लांट चलेंगे कि नहीं चलेंगे, उन्होंने कहा यार तुम लोग ये न्यूक्लियर प्लांट तो चला रहे हो ये कौन सी रॉकेट साइंस है, आओ दिखाओ, आओ हम तुम्हें दिखाते हैं, हम आप लोगों के वहां से तसल्ली कर गए कल तो ये ना कहे कि ये चलेगा नहीं, सिर्फ स्किल लोग चाहिए इंजीनियर चाहिए और इंशाल्लाह वास्ता वो प्लांट आपको चला के दिखाएगी, हमारा ये है कि उसमें से जो गैस बन रही है उससे हम इतनी बिजली पैदा करें कि हमारा प्लांट खुद चले, हमें वापस भी बिजली ना लेनी पड़े, जो कंपोस्ट की बात की है वो खाद की तरह का होता है वो साकिब भाई आपको बेहतर समझा सकते हैं, हमने वो प्लान किया हुआ कि वो हम कम्युनिटी को देंगे, लोगों को देंगे जो आसपास खेत है, सर मैं एक बार और भी बताना चाहता हूँ कि जितनी जगह हमने ली है ना वो सब जैसा कसी वो शुरू में 645 कनाल थी उसमें से जो सारी फ्लैट जगह है फ्लैट जगह हमने सिर्फ 45 कनाल इसलिए रखी है कि अगर सारा गंदा पानी अब कबाब का यहाँ से गुजर के जाता है बशमूल यहाँ का, तो अगर कल को यहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़े ताकि पानी साफ करके या नदी में बहाए या उसी पानी को यूज करके हम खेतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी भी मास्टर प्लानिंग कराई है साकिब भाई, देखिए सब सेक्टर मास्टर प्लानिंग कर रहा आ चुके हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं आपको, सिर्फ उस मकसद के लिए कि फिर लेवल आपकी अचीव नहीं होती, ग्रैब टिकट हुआ सबसे निचली जगह चाहिए, तो हम लोग हाजिर हैं, आप जिस तरह आपका जो भी शकूक है मेरे ख्याल से टेक्निकल तो माशाल्लाह ये आप लोग की खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग यहाँ पे हैं, और भी कोई आप चाहते हैं विजिट करना चाहते हैं सब कुछ करना चाहते हैं हम हाजिर हैं, हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट की है कि जैसे मैंने अभी बोला एडीबी ने सीधा कहा कि नहीं लगाना चाहते हो तो हमें क्या हमारे 50 मुल्क और भी है, तो इस मसले को बराए मेहरबानी आप जल्दी फैसला करें, मेरी आपसे दरख्वास्त है इसको जितना आप लेट करेंगे ये प्रोजेक्ट में कैंसिलेशन की जरूरत है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बंदे हो या ना हो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी 2.5 अरब रुपए की आ रही है आपके इस इलाके में, ठीक है, तो वो यहीं से यूटिलाइज होगी और यहीं को फायदा होता है, कोई बाहर से आके लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, ये आप जानते हैं कि जहाँ कंस्ट्रक्शन इतने बड़े एक्टिविटी शुरू होती है वो फायदा ऐसा ही है, तो इसलिए मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि जी काइंडली से आपको फैसला करें, आपके जो टेक्निकल लोग हैं जो उस चीज को समझते हैं हमने अपनी तरफ से 1000 चीज सब कुछ उनके हवाले किया, सब डॉक्यूमेंट्स उनके हवाले किए, सब एग्जाम्पल्स उनके हवाले की ताकि वो टेक्निकली आपको फीडबैक दे सकें, मैं भी अकबार का रहने वाला हूँ, मेरे भी आप लोग बुजुर्ग हैं मेरे ख्याल से, मैं और साकिब साहब फिफ्थ से ही पढ़े, बिल्कुल तो छोटा सा शहर है, कल को अगर कोई यहाँ पे झूठ बोलता है ना तो महीने बाद वो कहते हैं वो जा रहा है झूठे का बच्चे,
तो हमारा अपना इलाका है, हम इसका नुकसान नहीं चाहिए। मैं अटबादे नहीं है, देखी रहता देखी मरसा अगर मैं कोई गलत में जिस तरह सीओ साहब ने बातें की जी वो सारी क्लैरिटी होगी, लेकिन सोसाइटी सदस्य बाकी अपनी आजकल में मीटिंग करके ना गांव के जो बुजुर्ग हैं उनकी कमेटी बना लेंगे और फिर वो बुलाकर इसी रमजान में अवतार के बाद हम लोग इसको फाइनल कर देते हैं, गांव के सामने ये रख दें कि फिर आप लोग जिस तरह फैसला करते हैं जी उसी तरह हमारी तरफ से होगा। हमने अपने लेवल पे कोशिश की है जी, और जो बातें बनी है लोगों की बातों की हमें परवाह नहीं जी, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें बातें, जो लोग कुछ नहीं करते वो सिर्फ बातें करते हैं, हमें ना उससे परवाह है। हमें सिर्फ ये देखना है जिस तरह अभी सीओ साहब ने कहा है कि हमें अपने इलाके का मफाद सबसे ज्यादा अजीज है जी, हमारे बच्चे बच्चियों का मुस्तकबिल सबसे ज्यादा अजीज है। अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि नमाज का भी टाइम है। मैं मोहतरम काबिल शाह साहब को, आजी दिलावर खान साहब को, खसीफ साहब को दावत दूंगा और अली अकबर चाचा को कि आप काइंडली जरा सामने आ जाए और सरकार साहब को ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमारी तरफ से दे देंगे।